बच्चा क्या ठीक बातचीत कर खा रहे थे ना बैंगन बैठ के हम खाना खा रहे थे तो हमको उतना स्मेल का पता नहीं चला। जब थोड़ा ज़्यादा स्मेल बढ़ा ना तब थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हुआ और फिर जब दिक्कत बढ़ते गया फिर थोड़ा दवाई सब खाए तो रिलीफ हुआ। फिर जब यहाँ पे आते आते ना फिर मैं पूरा सांस एकदम खुल गया, पूरा ऐसा लगा था जैसे कि हार्ट बैठ बैठ रहा है। अब ये तो राज मिल्क फैक्ट्री में हुआ था। अब तुम कहाँ थे इस समय? खाना खा रहे थे। राज दूध प्लांट में अमोनिया का सिलेंडर का ब्लास्ट हो गया है और उसी से आए हैं करीब 30-35 के करीब पेशेंट आए हैं और एक करीब मृत्यु भी हो गई है इसमें, बाकी सब ठीक है। गैस में होता है, उसमें सांस लेने की तकलीफ होती है, मरना होगा तो तुरंत 10 मिनट में जिसको ज्यादा इनहेल कर लेगा, नहीं तो फिर हल्का फुल्का तकलीफ होके फिर इलाज हो जाए। रेफर नहीं हुआ, खुद से चला गया है प्राइवेट में कुछ। सर क्या जानकारी सर क्या है कि निजी नर्सिंग होम में कितने लोग हैं और अपने? अब अंदाज नहीं लेकिन 5-7 गया है, सुन रहे हैं, देखे नहीं है। सर मेडिकल की क्या सर व्यापक व्यवस्था यहाँ की गई है? पूरा व्यवस्था है, 5-6 डॉक्टर लगे हुए हैं और सब ऑक्सीजन है, सब तरह की दवा है। कितने लोग सर अपने सदर अस्पताल में भर्ती है? 30-35 आए हैं, उसमें कुछ लोग चले भी, जो हल्का फुल्का था चले गए हैं, एक की मृत्यु। सब ठीक है, एक सिर्फ मृत्यु हुई है। अमोनिया गैस का कितना फैला होता है? क्योंकि 3-4 किलोमीटर तक तो स्मेल जाएगा, लेकिन वो हानि नहीं करेगा, स्मेल जाएगा से नगर थाना तक। हाँ तो स्मेल जाएगा। राजपूत कॉलोनी 1 किलोमीटर दूरी पे वहाँ भी ना तो उतना कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, कुछ आदमी को हर्जा हो जाएगा उससे। ये घटना हुई है, अभी देख रहे हैं कि राज प्रेस जो डेयरी प्रोडक्ट बनाती है आइसक्रीम वगैरह का, इनका जो अमोनिया का सिलेंडर था उससे गैस अमोनिया के रिसाव हुआ। ये लगभग हम लोगों को आधा घंटा पहले जानकारी मिली है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पूरी अमोनिया की गैस को दबाने के लिए काम कर रही है, यहाँ तक कि जैसा बताया जा रहा है कि राज फैक्ट्री के जो इनकी इंटरनल टीम है जो गैस के रिसाव को रोकती है उन्होंने बल्ब को बंद कर लिया है, लेकिन हम लोग एहतियात के तौर पर पूरा अपना कार्रवाई कर रहे हैं। ये आइसक्रीम फैक्ट्री है राज फ्रेश करके, डेयरी प्रोडक्ट की बहुत सारे सामान ही बनाती है। कितने लोग हैं घायल? ये घायल की जानकारी हमें नहीं है, ऐसा बताया गया शुरुआती दौर में कि कुछ लोग जो वर्कर थे अगल बगल वो कुछ बेहोशी हालत में है, लेकिन किसी के भी हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। वो जो अमोनिया गैस तो जहरीला गैस होता है, वो जो फेफड़े में जाती है, ऑक्सीजन का कमी को वो कर देती है, जिसके कारण बेहोशी होती है।